हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल इजी कुक। चलिए आज बहुत ही शानदार सी रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल शाही पनीर आज हम घर पर ही बनाएंगे। हाँ जी, बिल्कुल स्मूथ, बहुत ही सिल्क, बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। तो चलिए आइए स्टार्ट कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, यहाँ पर मैंने प्याज कट कर ली है। मैंने यहाँ दो बड़ी साइज़ की प्याज ली है और यहाँ मैंने दो बड़े साइज़ के टमाटर लिए हैं, उसे मैंने रफली चॉप किया है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, डायरेक्ट ही या किसी फ्राई पैन वगैरह में आप उसमें ऐड कर लें। और यहाँ मैंने लिया है लहसुन और कटा हुआ अदरक और मैंने 3 से 4 हरी मिर्च ली हैं और वो भी हम ऐड कर देते हैं। तो यहाँ कुछ गर्म मसाले लिए हैं, लौंग, छोटी इलायची, बड़ी इलायची और काली मिर्च और छोटा सा टुकड़ा दालचीनी का, एक तेज़पत्ता। और देखिए जी, यहाँ मैंने 14 से 15 मैंने बादाम लिए हैं और इन्हें मैंने थोड़े से गर्म पानी में भिगोकर इनका छिलका उतार लिया है। और आपके पास काजू हो तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं, मैंने बादाम ऐड किए हैं। और जी जाएगी इसमें थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च। और यहाँ मैंने लिया है ऑलिव ऑयल, यहाँ थोड़ा सा ऐड कर देते हैं। आपके पास बटर वगैरह हो वो ऐड कर लें। यहाँ मैं एक छोटा चम्मच इसमें ऐड कर देती हूँ। 1/2 टीस्पून इसमें नमक ऐड कर देते हैं और यहाँ 1/2 ग्लास भर कर मैंने इसमें पानी। चलिए जी, 15 से 20 मिनट के लिए इसे कवर करते हैं और इसे कुक होने देते हैं जब तक कि टमाटर और प्याज वगैरह हमारे अच्छे से कुक ना हो जाए। चलिए जी, इसे कुक कर ले। 20 से 30 मिनट हो चुके हैं और मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, अच्छे से कुक हो गए हैं और या फिर अच्छे से मैश हो गए हैं। ये देखिए, इसी तरह के लिए हमें चाहिए था, बिल्कुल इसी तरह। तो ये अच्छे से कुक हो गया। चलिए जी, इसे निकाल लेते हैं और इसे ग्राइंडर में डालकर ग्राइंड करते हैं। ये देखिए, ठंडा हो चुका है, डालकर और ग्राइंड कर लेते हैं। कवर में इसका फाइन सा पेस्ट रेडी कर लेते हैं। देखिए जी, बिल्कुल फाइन पेस्ट कर लिया है इसका। चलिए जी, बटर ले लेते हैं। चलिए सबसे पहले क्या कर लेते हैं, यहाँ पर मैंने ले लिया है बटर। यहाँ मैंने 1-2 टीस्पून भरकर बटर लिया है और उसमें ऐड कर, बटर मेल्ट कर लिया है। और यहाँ मैंने कुछ कटी हुई हरी मिर्च और कटे हुए छोटे अदरक के टुकड़े वो इसमें ऐड कर लिए। देखिए जी, यहाँ पे मैंने पनीर के इस तरह के छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं। आपका जिस तरह मन करे आप उस तरह कर लें। इसमें डाल देते हैं पनीर को। चलिए हल्का सा इसमें थोड़ा सा नमक भी ऐड कर लेते हैं साथ ही। और जी हल्का सा इसे हिला लेते हैं इस तरह और हल्का सा फ्राई कर लेते हैं। चलिए जी, यहाँ पर कुछ थोड़ी सी मटर भी ऐड कर लेते हैं। तो देखिए, इन दोनों को 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से हिला कर और चलाते हुए हल्के हल्के, ताकि पनीर ना टूटे, और इसे फ्राई कर लेते हैं। चलिए फ्राई हो गया है। अब हम क्या करते हैं, हमने ग्रेवी ग्राइंड की थी और वो सभी इसमें ऐड कर देते हैं। चलिए जी, ग्रेवी मैंने इसमें ऐड कर दी है। चलिए इसमें डाल लिया है और बहुत ही हल्के हल्के इसे चलाएं और हल्के से मिक्स करें ताकि पनीर ना टूटे। ये देखिए किस तरह, और थोड़ी सी कसूरी मेथी ले लेते हैं, वो इसमें ऐड कर देते हैं। बहुत ही हल्के हल्के इसे मिक्स कर लें आपस में ताकि पनीर भी ना टूटे। इस तरह 3-4 मिनट के लिए अच्छे से इसे कुक कर लेते हैं। मिनट होते हो गए हैं इसे पकते हुए। तो अब क्या कर लेते हैं, यहाँ मैंने एक क्रीम ले ली है मदर डेरी की, तो क्रीम भी। तो चलिए जी, क्रीम ऐड कर लेते हैं। क्रीम में कंजूसी बिल्कुल ना करें। हाँ जी, बहुत ही टेस्ट मज़ेदार आने वाला है। तो चलिए जी, क्रीम भी मैंने अच्छे से इसमें डाल दी है खूब सारी और चलिए मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए, बिल्कुल स्मूथ टेक्सचर देख सकते हैं आप, बिल्कुल सिल्क। तो चलिए आइए इसे सर्व करते हैं। तो चलिए जी, इसे प्लेटिंग कर लेते हैं बढ़िया से। जितने ज़्यादा बढ़िया से प्लेटिंग हो जाए खाने में उतना ही मज़ा आ जाता है। क्यों जी, मैंने आपसे कहा था ना, बहुत ही इजी है और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। सो गाइज, आप प्लीज़ इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। बहुत ही जल्दी बनने वाली रेसिपी है और बिगनर के लिए तो बहुत ही ईजी है। सो गाइज़, जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ फटाफट जाके सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। सो गाइज़, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साइड में नोटिफिकेशन बटन आता है, आप उसे ज़रूर प्रेस कीजिए, जिससे कि आपको मेरी हर वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे और इसी तरह की आसान आसान रेसिपीज़ मैं आपके साथ शेयर करती रहूं। सो गाइज़, आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती है, प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर लिखा करिए और मेरी वीडियो को शेयर एंड लाइक करना ना भूलें। सो गाइज़, मैं आपसे फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखिए, एंजॉय करिए, दुआओं में याद रखिए, अपना खूब सारा प्यार रखिए। तो आपसे फिर मिलती हूँ एक न्यू वीडियो के साथ। बाय।